अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। पोर्शे के मैन स्पोर्ट्स कार, बहुत खूबसूरत गाड़ी, इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इस पे बात करते हैं। क्या नाम है सर? तलहा नाम है मेरा। अच्छा तलहा साहब, आपकी स्पोर्ट्स गाड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पोर्शा है, ठीक है। दिस इज अ के मैन स्पोर्ट्स कार में आती है कैटेगरी में, 2015 मॉडल है। परफॉर्मेंस कार है क्योंकि पोर्शा जो गाड़ी बनाते हैं दैट्स परफॉर्मेंस बेस्ड कार। इसकी ड्राइव, इसकी कम्फर्ट और सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा सर, इसका इंजन कितने सीसी है? इसका इंजन जो है वो 2700 सीसी है, 5.6 सेकंड 0-100 है इसका, 275 हॉर्स पावर है। इस गाड़ी का जो सबसे यूनिक पॉइंट है ये है कि ना इसका इंजन आगे है ना पीछे है, इसका इंजन बिल्कुल एग्जैक्टली सी के पीछे है। दिस इज कॉल्ड अ मिड इंजन कार, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको एड्रेनलिन रश मिलता है या जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं जो एक साउंड मिलता है, एक टॉर्क जो आपको महसूस होता है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियों की, क्योंकि उनका अमूमन इंजन या तो आगे होता है या पीछे होता है। ये गाड़ी तो कमाल की गाड़ी है। इसकी कितनी टॉप स्पीड है सर? टॉप स्पीड जो देखें इसकी ऑन दी रिकॉर्ड जो अगर आप पूछ सकते हैं तो ये जाती है 280 किलोमीटर पर आवर। दिस कार स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो गाड़ी को भगाना चाहते हैं। इसका जो रिम है ये कितने इंच का है? ये जी 20 इंच का व्हील है। दिस इज बेसिकली इसका पेटेंट डिज़ाइन जो है, ये क्लासिक व्हील आता है। इसकी राइड बहुत कंफर्टेबल है। लोगों का एक ये भी होता है कि आप इसको लाहौर में चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर पे तो नहीं लग रही, खड्डों में तो नहीं लग रही, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, नहीं लगती। सेफ्टी को अगर आप मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं तो इसमें कितने एयरबैग? पोर्शा जो है वही अगर इसको परफॉर्मेंस के हवाले से भी रखता है तो वो सेफ्टी वाला फीचर भी माइंड में रखता है, क्योंकि आपने अगर गाड़ी को तेज चलाना है ऑब्वियसली इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके हवाले से अगर इसमें एयरबैग्स की आपने बात की तो इसमें 6 एयरबैग्स है। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोलिजन होता है तो यू आर क्वाइट सेफ इन इट। ये क्या चीज़ है सर? ये बेसिकली जब आप गाड़ी चलाते हैं ये अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से तो ये इसके एयर इंटेक्स हैं। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया मिड इंजन है, यहाँ से ये एयर सक करता है, उसको फिर बाद में अंदर जाके कंबस्ट करके एग्जॉस्ट से निकलता है। अगर आप इसकी जाली को देख रहे होंगे इस वक्त, ये इसके ब्रेक कूलर्स हैं, क्योंकि यहाँ से एयर अंदर जाती है, उससे पीछे से जाके वो टायर्स के अंदर ब्रेक कैलिपर्स पे जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक इसकी ठंडी होती है। साथ अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी फॉग लाइट्स हैं, ऊपर से आप इसको देख रहे होंगे तो इसको मैचिंग बम्पर्स हैं। रियर रिवर्सिंग लाइट है, जब भी आप रिवर्स का गियर लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ऊपर की जानेब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे एक LED स्ट्रिप जा रही है, वो इसकी ब्रेक लाइट जब भी आप अप्लाई करेंगे वो ऑन होगी। इसका रेयर बम्पर भी अगर आप देखें तो इसके एग्जॉस्ट पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में आपको इसके रेयर सेंसर्स भी नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है तो वो वार्निंग सेंसर्स होते हैं कि अगर आपके पीछे कोई कोलिजन के लिए चीज़ हिट होने वाली है या नहीं होने वाली। ये अगर आप चीज़ देख रहे होंगे तो ये स्पॉइलर है, ठीक है। ये बेसिकली डाउन फोर्स के लिए होती है, अगर गाड़ी हाई स्पीड पर जाए तब खुद ही ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है, या अगर आपने इसको खड़ा किया, इसके अंदर एक बटन है, आप उसको प्रेस करके डिप्लॉय भी कर सकते हैं और इसको प्रेस करके आप नीचे भी कर सकते हैं। आए नाज़रीन, आपको गाड़ी के अंदर का जो रूम है वो दिखाते हैं। ये इसका की है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी इसके एक्सटीरियर कलर के साथ ही मैचिंग में आई है, और ये भी एक पेड ऑप्शन होता है। ये इसकी माइलेज आ रही है, ठीक है। आपकी टॉप स्पीड आ जाती है किलोमीटर पर आवर में। नीचे अगर इसमें आ जाएं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये गियर आ जाता है, जैसे तो बॉब आप इसको प्रेस करें, ये अभी ऑटोमेटिक में है, अगर आप इसको यहाँ करेंगे तो ये मैनुअल में है। आप इसको स्टीयरिंग से भी गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। दरमियान में आपका हॉर्न आ गया, ये आपका वॉइस कंट्रोल है फॉर द रेडियो एंड एवरीथिंग। ये अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है या नहीं है तो यहाँ से आप इसकी कॉल रिसीव कर सकते हैं। ये इसकी मेन इंफोटेनमेंट आ गई है, ये सारे टच है। ये स्पोर्ट्स मोड है, इसको स्पोर्ट्स में करेंगे इससे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। ये आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए, इसको आप प्रेस करके रखेंगे थोड़ी सी देर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाती है। इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो पीछे से स्पॉइलर इसका डिप्लॉय हो जाता है। आपके जो ग्लास होल्डर हैं वो यहाँ पे हैं, जो कि आप अपने ग्लास यहाँ पर रख सकते हैं, इनको दोबारा आप इसी तरह बंद कर सकते हैं। गाड़ी छोटी है, लोग समझते हैं कि इसके अंदर फीचर्स वगैरह इतने को खास नहीं है, लेकिन हैं इसके अंदर सारे फीचर्स। इस गाड़ी की इस वक्त कीमत कितनी है? सर इस गाड़ी की तकरीबन अगर इस वक्त कोई कीमत आप पूछें तो तकरीबन 2,25,00,000 के करीब है। ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस पैसों में ये गाड़ी, ये एड्रेनलिन रश, ये परफॉर्मेंस, ये कंफर्ट अगर आप इंजॉय कर रहे हैं इस प्राइस के अंदर तो आई थिंक दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी। गाड़ी के मेंटेनेंस कहाँ से करवाते हैं? बेसिकली ये पोर्शा पाकिस्तान की ही इम्पोर्ट है, आप उनसे वारंटी पर एनम जो है किसकी फ़ी होती है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर करते हैं एक्सेप्ट फॉर द रबर पार्ट्स।
एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार जिसको लेने के लिए हर इंसान का दिल करता है। इसी के साथ ही अपने मेजबान आगा हैदर को इजाजत दें, नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।